जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब बात कर लेते हैं नीमच की, जहां पर बंसल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं, मुकेश प्रजापति की समस्या सुलझाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कागजों की माला लपेटे मुकेश पहुंचे थे, जहां जनसुनवाई में भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर पहुंचे थे। 3 दिन में समाधान कर कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि बंसल न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसका असर अब हुआ है, जहां कलेक्टर ने कहा कि 3 दिन में ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा और रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। अब हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है वो किस प्रकार से मुकेश का नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम छोड़ी और इस प्रकार से एक अनोखे अंदाज में यहां पर अपनी शिकायत कलेक्टर के पास लेकर पहुंचे और कलेक्टर की जनसुनवाई में अपनी बातें रखी, भ्रष्टाचार की बातें रखी, जिसके बाद में कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। शिकायतकर्ता कांकरिया तलाई, जो कि जावल ब्लॉक का है, उन्होंने जो शिकायत की है उसमें कुछ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं कुछ अन्य कार्यों की शिकायत की है, जो कि पंचायत द्वारा किए गए हैं। इसमें मेरे द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए जो हमारे SDM है और एडिशनल CO है एवं ERS को निर्देश दिया है कि वो कल स्वयं जाके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसके अनुसार जो भी जांच रिपोर्ट में स्थिति उत्पन्न होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता कमलेश लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, जिस प्रकार से एक अनोखी, और कलेक्टर ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि 3 दिन में समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन वो कौन सा भ्रष्टाचार का मामला है जिसको लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे थे? जी अनुपमा जी, आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला काकरे तलाई के पास समीप के पंचायत का है, जहां की निर्माण कार्य और अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार की बातें मुकेश द्वारा कही गई। उनका कहना था कि क्षेत्र भर में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इन सब चीज को लेके इन्होंने स्थानीय DM, स्थानीय जनपद CO समेत इवन PMO तक इन्होंने शिकायत कर दी, लेकिन उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला। इसके चलते आज इन्होंने जनसुनवाई में अपनी पूरी जो अब तक की जितनी भी शिकायतें की थी उसकी पूरी शिकायतों की माला लेके यहाँ कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे और उसके बाद कलेक्टर ने उनको बताया कि 3 दिन के अंदर जो है इस पूरी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो चाहे अन्य पंचायतों में निर्माण कार्य संबंधित मामले हो। जी अनुपम, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। चलिए अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि जो पीड़ित यानी कि मुकेश, उनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने क्या कहा है। फुल भ्रष्टाचार है नीमच जिले के अंदर और सबसे ज्यादा है काकरिया तलाई पंचायत में। करोड़ों रुपए की जमीन पूर्व सरपंच पुष्पाबाई व उसके पति मेघवाल ने 9 बीघा जमीन बना ली है, लेकिन प्रशासन को उसका हफ्ता आता है इसलिए प्रशासन उसकी जांच नहीं कर रहा है। और इसमें मेन गुरु था इनका, सबका गुरु प्रसाद CO जिला पंचायत, वो इनका गुरु था और इन्हें फुल भ्रष्टाचार किया। मैं कह रहा हूँ गुरु प्रसाद के ऊपर ED का छापा पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप सुन रहे हो मेरी बात, तो गुरु प्रसाद का पूरा रिकॉर्ड निकालिए, ED का छापा लगवाइए। इसके 1 अरब से ऊपर का घोटाला इसने 7 साल में नीमच जिले के अंदर करके गया है। जाल क्षेत्र में किसी पंचायत में सरपंच साहब की कोई शिकायत है उनकी, ग्रामीण विकास विभाग उसमें पहले भी जांच करा चुका है, अभी उन्होंने आवेदन लिया है, कलेक्टर साहब ने उसको फिर से जांच करने के लिए भेजा है। ये तो कोई एक व्यक्ति विशेष की शिकायत है और वो पंचायत उसमें जांच कर चुकी है, तो पंचायत ग्रामीण विकास के ACO साहब को उसमें फिर से जांच करने के लिए बोला। तो देखिए, सरपंच पति और उसके साथी CEO पर ये गंभीर आरोप लगे और ये आरोप है भ्रष्टाचार के। अब इसी के खिलाफ एक मुहिम यहाँ पर मुकेश ने छेड़ी है। हालांकि कलेक्टर का कहना है कि 3 दिन में जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी और ये जो सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन कब तक क्या वाकई कार्रवाई हो पाती है ये देखने वाली बात है।